हाय। तो अभी मेरा मन नहीं लग रहा था घर के अंदर, तो मैं घर के बाहर जो हमारा आंगन है उसमें बैठ के पढ़ रही थी। थोड़ा बिखरा बिखरा है गाँव में, ऐसा ही होता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपने काम में। तो मतलब एक बार सुबह अरेंज करते हैं फिर सारा कुछ वैसा ही मतलब हो जाता है। और अभी मतलब प्रॉपरली रेगुलर वीडियो डालने से पहले मुझे कुछ मतलब कि सीखना है, तो वो सब सीख करके ही डालूंगी मैं। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ ये कौन है। इसे हमारे साथ रहे हुए 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से हमारे साथ है। ये एक स्ट्रे कैट है और ये फीमेल है और ये सो रही है। हमारे घर पे ना मतलब कैट रखने का प्रचलन मतलब बहुत सालों से है। जब मेरे मम्मी पापा छोटे थे, मेरी फुआ छोटी थी तो फिर वो रखती थी। मेरी फुआ तो इतना ज़्यादा कैट लवर है कि वो उसे मतलब छोटे में बहुत ज़्यादा मतलब तैयार कर देती थी। ये कुर्थी का दाल है, मम्मी ने इसे धूप में सूखने के लिए लगाया। कुछ इधर प्लांट्स लगे हुए हैं और इधर है मैडम हमारी छुटकी सी, वैसे छोटी बड़ी हो गई है। कैट बड़ी है एज में और ल्यूसी छोटी है उससे एज में, बट दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं तो इसलिए इनका ग्रोथ भी अलग है। और ये मैडम ना नहाने के बाद सो रही है। आज इसे मैंने नहीं नहलाया, हमारे यहाँ जो मतलब काम करते हैं वो उन्हें नहला दिए हैं, क्योंकि मतलब मैं ऑलरेडी सुबह नहा चुकी थी और ये ना जो नहलाता है उसे भी नहला देती है। तो ये मैडम ऐसे धूप ताप रही है। और इसे ड्रायर से मैं जल्दी नहीं सुखाती क्योंकि इसका क्या होता है ना, ड्रायर से सुखाने से इसके मतलब कि थोड़ा सूख जाएगी धूप में, फिर उसके बाद ड्रायर से सुखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से सूखेगी और जो मतलब भीगा वाला जो स्मेल आता है ना वो फिर नहीं आता है। और डायरेक्ट ड्रायर से सुखाने से मतलब ज़्यादा ही देर तक इसको वो हीट वाला एक्सपीरियंस होता है, तो इस वजह से। फिर इधर जो है ना, ये छोटा सा है, पॉट टाइप से ही है, इसमें मम्मी ने मिर्च लगा करके रखा है क्योंकि बारी में नहीं लगा हुआ है। इधर कुछ प्लांट्स है इस तरह से, और फिर बाहर का नज़ारा कुछ सिर्फ खेत है। और जैसे शहरों में होता है शहरीकरण, उस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो नहीं है। नॉर्मली जो घर होते हैं लोगों के वही मतलब नॉर्मल साइज़ के हैं। और फिर उधर हमारा फील्ड है, वहीं पे कल लूसी पपीता तोड़ रही थी, उसको पपीता खाना बहुत पसंद है। और इधर बैंगन लगा हुआ है और ये जो है ये लौकी है। बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सी यू।